हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देखा कि मैं आज स्नैपी ड्रेस लेके आई हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए, जिसमें अटैच स्नैपी भी रहेगी और ऊपर से झबला भी रहेगा और गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं जो तीन तरह के ड्रेसेस लेके आई हूँ जो नैपी ड्रेस है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा और वीडियो पे कमेंट भी करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम एक कपड़ा लेते हैं जो है प्रिंटेड कपड़ा, और इसका मेजरमेंट बताए तो ये 6.5 है और इधर से भी ये 6.5 इंच है। तो 6.5 x 6.5 का हम लेंगे एक कपड़ा, और दूसरा कपड़ा लेंगे हम 3 इंच चौड़ाई है और इसकी 16 x 16.5 इंच इसकी लंबाई है। तो दो पीस हमने कपड़ा ले लिया है, और जो पहला पीस हमने चौकोर पीस लिया था उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। कॉटन का कपड़ा हो तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि गर्मियों में लड्डू गोपाल जी के लिए कॉटन का कपड़ा क्या ही ड्रेस बनाएं ताकि उनको चुभे नहीं। और फिर उसके बाद से हम प्रिंट से मिलता जुलता एक और कपड़ा लेंगे पतला सा, जिसकी चौड़ाई करीब 1 इंच है, उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके एक ऐसा पट्टी सा बना लेंगे इस तरह से। ये हमें चाहिए नेपी में लगाने के लिए, इसीलिए हमने छोटा सा ये बना लिया। इसके बाद से हम ये जो कपड़ा कटिंग किए थे उसको लेंगे और उसको हम सीधा वाला हिस्सा अंदर की तरफ रखेंगे। इसके बाद से कॉर्नर से हम इस तरह से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। फिर हम यहाँ पे कोने पे पहुँचेंगे और जो हमने छोटा सा कपड़ा बनाया था उसको हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे अटैच कर देंगे अंदर रखते हुए, ताकि जब हम इसे सीधा करें तो वो अंदर से फंसाने के लिए निकले। आपने ध्यान दिया होगा जब हम बच्चे की नेपी बनाते हैं तो इसी तरह से उसमें बनाना पड़ता है। तो ऐसे ही भगवान की नेपी में भी हम बनाएंगे। इसके बाद से यहाँ पर इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, मैंने सीधा करके प्रेस कर लिया ताकि कपड़ा अच्छे से बैठ जाए। इसके बाद से हम बताते हैं आगे क्या करना है। फिर से हम 1 इंच चौड़ाई कपड़ा लेंगे इस तरह से पतला सा, उसको हम 2-3 ले लेंगे। उसके बाद से हम इस तरह से सिल लेंगे। सिलने के बाद से हम डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे सिंपल सी। यहाँ पे देखिए, मैं सिलाई लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, पतले पतले इसमें हमें चुन्नट बनानी है, बिल्कुल बारीक बारीक चुन्नट बनानी है। ये देखिए, हमारी चुन्नट बनके रेडी हो चुकी है। अब हमें करना ये है कि इस चुन्नट को और ये जो हमने नीचे नेपी बनाई थी इसको हम लेंगे और इसको हम इस तरह से नीचे रखेंगे ताकि सीधा वाला हिस्सा में हमारा सिलाई वाला हिस्सा ना दिखे। तो नीचे रखते हुए इस तरह से हमें साइड साइड से सिलाई कर लेनी है ताकि ऊपर से हमारी फिनिशिंग अच्छी दिखे। दो तरफ से करेंगे, तीसरे तरफ हमें नहीं करना है। एक्स्ट्रा पार्ट हम कटिंग करके हटा देंगे। ये देखिए, ये ऐसा हो गया। अब हम फिर से 1.5 इंच चौड़ा एक कपड़ा लेंगे, उसको हम दोनों तरफ से इतना मार्जिन देते हुए फिर से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। नीचे रखते हुए सिलाई पहले करेंगे। देखिए, फिर हम इसको ऊपर की तरफ से इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, दोनों तरफ से हमारा डोरी बन गया है। इसे अलग से डोरी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें हमारा डोरी भी अटैच हो गया और हमारा पाइपिंग भी बन गया। ये देखिए, हमारा नेपी ड्रेस तैयार हो गया है। ऊपर वाला बस चोली वाला हिस्सा बनाना है इसका। तो तीनों ही ड्रेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वीडियो पूरा देखेंगे तो तीनों ड्रेस का वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। ये तो भी पहला है, बाकी सब वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद से जो हम दूसरा कपड़ा लिए थे उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे डबल फोल्ड करने के बाद एक सिलाई लगा लेंगे सिंपल सी। इसके बाद से सिलाई लगाने के बाद से फिर से हम प्लेन कपड़ा लेंगे और फिर से हम चुन्नट बना लेंगे प्लेन कपड़े पे, और चुन्नट को हम इस तरह से रखते हुए सिलाई करेंगे। यानी चुन्नट वाला हिस्सा ऊपर होना चाहिए और जो हमने लंबा कपड़ा सिला था वो कपड़ा नीचे रख के हम सिलाई सिंपल से लगा लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए हमने कर लिया। अब इसको हम अंदर की तरफ से करके टॉप स्टिच एक दे देंगे और यहाँ पे देखिए हमारा टॉप स्टिच भी हो गया। अब चाहे तो इसमें डबल सिलाई भी कर सकते हैं, मैंने डबल सिलाई कर दी थी। इसके बाद से हम इसको इस तरह से फोल्ड करके आधा पार्ट में कट कर देंगे। अब हमारे दो पार्ट तैयार हो गए हैं। अब हम इस क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाने के बाद इस तरह से 1.5 इंच ऊपर तक सिलाई लगा लेंगे, फिर से सिलाई नीचे की तरफ ले आके निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, सेंटर पार्ट में निशान लगाएंगे नेपी में और उसके बाद से हम यहाँ पे इसको सिलाई लगा देंगे, यानी सिंपल से सिलाई लगा के इसको जोड़ देना है, यहाँ पे अटैच कर देना है। सिलाई को डबल कर देंगे फिनिशिंग देते हुए। अब हमारा ड्रेस तैयार हो गया है, देखिए नेपी ड्रेस। अब हम पहना के दिखाते हैं इसको, देखिए इस तरह से पहनाना है, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा देखिए हमने किस तरह से पहनाया और कितने सुंदर से हमारे भगवान जी दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही हल्का फुल्का है, बनने में बहुत ज़्यादा इजी है। तो आप सब भी अपने भगवान जी को ज़रूर ऐसा नेपी ड्रेस पहनाएं। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, ये वाला ड्रेस कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अगले वीडियो की तरफ से कि अगला वीडियो मैंने क्या बनाया है और कैसे बनाया है। यहाँ पे लिया फिर से हमने चौकोर पीस और इसका मेजरमेंट मैं बताऊँ तो ये है 7 इंच, 6.5 इंच कह लीजिए, 6.5 इंच लंबाई और चौड़ाई इसकी 6.5 इंच है। यानी मैं 8 से 9 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बता रही हूँ, 7 नंबर को भी आप पहना सकते हैं। तो 6.5 इंच ही ले सकते हैं और इसका लंबा पीस है करीब 1.5 इंच, 2 इंच चौड़ा और 13 इंच लंबा। इसको पहले लंबे वाले पीस को हम इस तरह से फोल्ड करके पहले सिंपल से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए सिलाई लगा लिया हमने। अब इसको क्या करेंगे, हम किसी पिन या किसी भी चीज़ की हेल्प से हम इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारा यहाँ पे देखिए सीधा इस तरह से बड़ी आसानी से सीधा हो जाता है। इसके बाद सीधा करने के बाद हम इसे प्रेस कर लेंगे ताकि इसकी सिलाई अच्छे से बैठ जाए। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है, इसमें थोड़ा सा लेस लगा दिया था मैंने ताकि ये सुंदर दिखने लगे। आप चाहे तो लगाएं चाहे तो ना लगाएं, दोनों ही रूपों में बहुत ही सुंदर दिखेगा, तो अपनी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पर देखिए मैंने लेस अटैच कर दिया है। अब हम लेंगे चौकोर वाला कपड़ा और इसको उल्टे तरफ से हम फोल्ड करेंगे, यानी सीधा वाला हिस्सा हमारा अंदर रहेगा, उल्टा वाला हिस्सा हमारा ऊपर रहेगा। इसको हम फोल्ड करके इस तरह से कॉर्नर से सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो सिलाई यहाँ पे कोने पे आके हम रुक जाएंगे। इसके बाद से हम जो कपड़ा ये तैयार किए थे लंबा पीस, उसको हम इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से अरेंज करते हुए एक दूसरे के ऊपर इस तरह से करके हम इसको अंदर रखेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, और इसके बाद से हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। पूरा सिलने के बाद थोड़ा सा पार्ट हम इसे खुला छोड़ देंगे और जो खुला और छूटा हुआ पार्ट है वहीं से हम इसको सीध पलट लेंगे, यानी सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमारा सीधा हो चुका है। अब इसे अच्छे से सीधा करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की तरफ करते हुए फिर से ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमारी ड्रेस बन के रेडी हो चुकी है। पहले तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको यहाँ से ज्वाइंट कर लेंगे और जितना हमारा भगवान का सर है उतना बड़ा ऊपर से छोड़ेंगे, यानी 1.5 से 2 इंच तक हम सिलाई लगा लेंगे, डबल सिलाई कर लेंगे और यहाँ से सुई हम बाहर निकाल लेते हैं। हमारा ड्रेस तैयार हो गया, बहुत ही फटाफट से बन के तैयार होंगे। जितने भी मैं ड्रेसेस लेके आई हूँ बहुत ही जल्दी बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, ये चिटपिट वाले बटन है इसको अटैच करेंगे। अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो जो चिपकाने वाला मिलता है इसे भी आप लगा सकते हैं, पर मैं चिटपिट लगाई हूँ यहाँ पर, और इसको एक इस तरफ और दूसरा वाला हिस्सा इस तरफ लगाना है, और जिसे लगाने के बाद से ये पहनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो चलिए लगा लिया जाए।
पे लग चुका है। चलिए पहना के दिखाते हैं किसे किस तरह से पहनाना है। तो पहले ये वाला हिस्सा हम इस तरह से पहनाएंगे और फिर पीछे से लेके इस तरह से आएंगे और इसके बाद से हम आगे की तरफ से चिटपिट बंद कर देंगे। और ये देखिए हमारा तैयार हो गया सेकंड ड्रेस नेपी वाला। बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से मैंने बताया है इसको बनाना और बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। तो चलिए अगले ड्रेस के बारे में बताते हैं आप सबको। तो ये हमारा है तीसरा ड्रेस जो हमने इस तरह का प्रिंट में कुछ लिया है और इसका मैं मेजरमेंट बताऊं तो ये है 7 इंच इसकी चौड़ाई। 7 इंच को हमने डबल कर लिया है यहाँ पे और इसके बाद से हम फिर से स्केल लेंगे और इसकी गहराई ले लेंगे 5.5 इंच। तो 7x5 यानी 7 कह लीजिए, उसका जब डबल करेंगे तो वो 14 इंच हो जाता है और गहराई इसकी 5.5 इंच है और इसको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद से करीब 2.5 इंच चौड़ाई लेते हुए एक सीधी पट्टी यहाँ से कटिंग कर लेंगे। इसकी लंबाई में बता दूँ तो इसकी लंबाई है करीब 35 इंच और इसकी चौड़ाई है करीब 3 इंच, 2.5 से 3 इंच आप ले सकते हैं। इसके बाद से हम इस तरह से इसे फोल्ड करके सीधी सी सिलाई दे लेंगे। सीधी सिलाई हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, जो दूसरा वाला जो हमने कपड़ा कटिंग किया था उसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे करीब 1/2 इंच अंदर करते हुए और दूसरी तरफ से भी हम इस तरह से करीब 1/2 इंच अंदर करते हुए फोल्ड कर लेंगे। दोनों तरफ से हम फोल्ड कर लिए। अब क्या करना है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करने के बाद से इसको 2 बार फोल्ड करेंगे इस तरह से। देखिए ये फोल्ड कर रही हूँ, 2 बार हमने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद इसको हम इस तरह से तिरछा निशान लगाएंगे और यहाँ से वी शेप में कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद से हम इसको इसी तरह से सिलेंगे। पहले एक तरफ से हम सिल लेते हैं, एक तरफ से हमारा सिला सिलाया ही है, डबल सिलाई दे लिए। इसके बाद से हम कुछ इस तरह से इसको फैला लेंगे। अब देखिए हमारा सिलाई वाला हिस्सा सेंटर में आ गया। अब हम क्या करेंगे, वी शेप में जो हमने कटिंग की थी उस कटिंग पे हम इस तरह से वी शेप में ही सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है। सिलाई को डबल कर लेंगे, डबल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये देखिए हमारा इस तरह से रेडी हो चुका है, ये पैंट तैयार हो गई हमारी। अब यहाँ पे हमें लास्टिक अटैच करनी है, यानी हमने एक में चिटपिट लगाया था, एक में डोरी और लास्ट वाले में हम यहाँ पे लास्टिक लगा रहे हैं। तो अलग अलग चीज़ें मैंने लगा के दिखाई हैं, जैसे आपको समझ में आए आप वैसा बना सकते हैं। और उसके बाद से जो हमने लंबी पट्टी तैयार की थी उसमें हम इस तरह से चौड़ी चौड़ी चुन्नटें लगा देंगे। बहुत ही इजी तरीके से लग जाती है ये भी चुन्नट, गहरी गहरी चुन्नट देंगे ताकि देखने में सुंदर लगे। और इसके बाद से देखिए मेरे पास ये ऑरेंज कलर का कॉटन का कपड़ा था, इसे भी मैं लगा देती हूँ ताकि थोड़ी सी सुंदरता इसकी और बढ़ जाए। तो आप सेम कलर का भी लगा सकते हैं पर मैंने दूसरे कलर का लगाया है यहाँ पर। और इस तरह से हम डबल लॉक कर देंगे। अब हमने जो कपड़ा लगाया था इसको हम आगे की तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, यानी ये पाइपिंग की तरह लग जाएगा। इस जगह पे आप लेस भी अटैच कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लास्टिक लगाएंगे किस तरह से, एक छोटा सा पिन लेते हैं, पिन में पतली व डोरी वाली जो लास्टिक आती है उसे ही हमें लगाना है। पतली डोरी की जगह पर आप जो सेफ्टी वाली लास्टिक आती है उसे भी लगा सकते हैं। और इस तरह से जिस तरह से हम पैंट में नाड़ा वगैरह लगाते हैं नेफा में, उसी तरह से हम लगा के और एक गांठ लगा देनी है जितना हमारे भगवान जी का कमर है। उसके बाद से सेंटर पे इस तरह से रख के हम सिलाई लगा देंगे यहाँ पे।
हमारा ड्रेस बनके रेडी हो चुका। देखा ना आपने कितना जल्दी ये बनके तैयार हुआ। तो जितने भी मैं ड्रेसेस लेके आई हूँ आज, वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। और सबसे बड़ी बात, इसमें नेपी अटैच है, जिससे आप अलग से नेपी पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग से पैंट पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये गर्मियों के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। चलिए मैं इसे पहना के दिखाती हूँ कैसे पहनाना है। तो सबसे पहले हम इस तरह से पैंट पहनाएंगे इनको, नीचे वाला। ये देखिए पैंट पहन लिए। फिर इस ड्रेस को हम इस तरह से घुमा के आगे की तरफ से करेंगे। और हमने भी इसमें भी यहाँ पे चिटपट लगा दिया है, तो हम यहाँ पे चिटपट लगा देंगे। देखिए हमने पहना दिया, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं भगवान जी। तो आप सबको आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, तीनों वीडियो कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। जो भी वीडियो आपको अच्छा लगा उस पर ज़रूर कॉमेंट करिएगा, अगर सारे वीडियो अच्छे लगे तो ये भी बताइएगा। तो आप सबको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। देखिए यहाँ पे तीनों मैंने ड्रेसेस डाली है, जो वीडियो अच्छा लगे तो उसके बारे में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, राधे राधे।